नमन करता हूँ। आज ईवी पेरियार रामा स्वामी इनके 142वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का 9वां छत्तीसगढ़ स्टेट का संयुक्त राज्य अधिवेशन वर्चुअल तरीके से संपन्न होने जा रहा है। इस राज्य अधिवेशन के उद्घाटक माननीय डॉक्टर एपी शांडिल्य साहब, जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी अंबिकापुर से है। आज के इस राज्य अधिवेशन के विशेष अतिथि शंकर दादा नेताम, माननीय रिमिश तिर्की जी, जे आर ठाकुर जी और इस अधिवेशन के वक्तागण माननीय सुनील खलको जी, अनुप बरुआ जी, श्याम सुमित कुमार, अर्जुन बिरुले जी, अनिल उसेंडी और इस राज्य अधिवेशन को देख रहे पूरे देशभर के सभी आदिवासी भाई और बहनों, साथियों, राज्य अधिवेशन के मौके पर जो विषय चर्चा के लिए रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय के बारे में हमारे आदिवासी समाज को जानकारी नहीं है। जब हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के स्टेज पर जो दूसरे संगठन चलाने वाले आदिवासी के पदाधिकारी है, जब उनको बुलाते हैं विषय पर बात रखने के लिए, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि खाना निकाल रहे हो। हेलो, तो कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे विषय लाते हैं कि जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है, इसके बारे में ना मीडिया में कुछ खबर आती है, ना इसके बारे में कोई किताबी उपलब्ध है, ऐसे ऐसे विषय आप चर्चा के लिए लाते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि हम जो विषय चर्चा के लिए लाते हैं, जो ब्राह्मण आदिवासियों के विरोध में प्रतिदिन षड्यंत्र करते हैं, उस षड्यंत्र के बारे में हमारे लोगों को पता चले, उसके बारे में जानकारी चले, तो इसी संदर्भ में आज तीन विषय पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम चर्चा के लिए आज रखे हैं, वो विषय, पहला जो विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता का कानून लागू होने से क्या आदिवासियों के संवैधानिक मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, एक चिंतन। दूसरा विषय इसको क्लब किया हुआ है कि बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र है, डीएनए के आधार पर पर्दाफाश। और तीसरा विषय जो है आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन अथवा वर्तमान विभिन्न संगठनों का संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकरण होने से ही आदिवासियों की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है, एक सकारात्मक चिंतन। इस प्रकार ये तीन विषय आज चर्चा के लिए रखे गए हैं। तो इस कड़ी में जो पहला विषय है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में पूरे देश भर के आदिवासियों को जानकारी है ऐसा मुझे लगता नहीं है। कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस विषय को चर्चा में लाने के पीछे जो मकसद है, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इसकी जानकारी देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे समाज के पास वर्तमान में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। भारत का जो मीडिया है, इस प्रकार की जानकारी
दे रहा है नहीं दे रहा है। यह कानून भारत का जो मीडिया है वो इस प्रकार की जानकारी दे रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून है ये मुसलमानों के लिए है, ये मुसलमानों के संदर्भ में है, ये सही जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में राय पूछी, लेकिन जो मोदी सरकार है वो वास्तव में आरएसएस की सरकार है। इस सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में राय बताने के बजाय सरकार ने तीन तलाक के ऊपर अपना बयान दिया। इसका मतलब षड्यंत्र यहां से शुरू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में राय पूछी गई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में अपनी राय सरकार को देनी चाहिए थी। सरकार ने लॉ कमीशन को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में राय देने के लिए लेटर भेजा। लॉ कमीशन ने लगभग 16 सवाल खड़े किए। साथियों, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि भारत में लागू होता है तो जो हमारे जो मुस्लिम भाई है, मुस्लिम भाइयों की, केवल मुस्लिम भाइयों की नहीं बल्कि भारत में जो सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, इनके साथ लिंगायत है और आदिवासी, और जो तमाम भारत के मजलूम लोग है, शोषित है, पीड़ित लोग है, सबसे पहले इनका कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही खतरनाक मामला है। मैं आदिवासी होने के नाते हमारे आदिवासी भाइयों से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जानकारी नहीं थी, लेकिन बामसेप तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें बताया तब हमें समझ में आया कि यह मामला केवल मुसलमानों के साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह मामला तो तमाम मजलूमों के साथ, पीड़ितों के साथ, शोषितों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। माननीय वामन मेश्राम साहब ने प्रेम कुमार गेडा जो राष्ट्रीय प्रभारी है राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा के तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक है, उनकी जिम्मेवारी लगाई मेश्राम साहब ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके बारे में रिसर्च करें। और जब माननीय प्रेम कुमार गेडाम जी ने करीबन 2.5 महीना यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में रिसर्च किया, जब रिसर्च किया कि इसमें सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, मुसलमान और आदिवासियों का क्या नुकसान होगा, इसके ऊपर लगभग 2.5 महीना रिसर्च किया, तब उनके सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि यह मामला मुसलमानों से ज्यादा भयंकर तो आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा मुसलमानों का जितना ज्यादा सत्यानाश नहीं होगा उससे भयंकर सत्यानाश आदिवासियों का होने वाला है, यह बात रिसर्च में सामने आई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो हमारा क्या सत्यानाश होता है? जब हमने वामन मेश्राम साहब को पूछा कि अगर आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म होता है तो आदिवासियों का सत्यानाश कैसे होगा, तो साहब ने बताया देखो मुसलमानों के पास बताने के लिए दाढ़ी और टोपी भी तो है, उनकी थोड़ी पहचान है, उनकी दाढ़ी है, टोपी है, उनकी पहचान है, मगर आदिवासियों के पास क्या पहचान है? आदिवासियों के पास टोपी दाढ़ी नाम की कोई पहचान तो है नहीं, लेकिन आदिवासियों के पास उनकी कला, सभ्यता, संस्कृति,
ये है, ये उनकी पहचान है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो आदिवासियों का सबसे पहले कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा। आदिवासियों का कस्टमरी लॉ क्या है? आदिवासियों का जन्म संस्कार अलग है, आदिवासियों का विवाह संस्कार अलग है, आदिवासियों के मृत्यु संस्कार अलग है। इतना ही नहीं, आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं है और आदिवासियों को हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू नहीं है। आदिवासियों को शारदा एक्ट 1928 भी लागू नहीं है। इतना ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 16 जजमेंट है जिसमें बताया गया है कि भारत के आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू मूर्ति पूजा को मानते हैं, मगर हम आदिवासी लोग प्राकृतिक पूजा को मानते हैं। अगर हिंदू में यानी ब्राह्मण धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको जलाया जाता है, लेकिन आदिवासियों में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसको हम लोग जमीन में दफनाते हैं। हमारा अपना कस्टम अलग है, हमारी कला अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी पहचान अलग है और हमारी सभ्यता भी अलग है। तो ये जो कॉमन सिविल कोड है, ये अगर लागू होता है तो कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में बीजेपी सरकार ने जो 6 मुद्दे बताए हैं वो बहुत ही भयंकर है। सरकार ने क्या बताया कि अगर कॉमन सिविल कोड अगर लागू होता है तो सभी पर्सनल लॉ नल एंड वाइड होंगे। नल एंड वाइड का मतलब होता है उसको शून्य घोषित किया जाएगा, जो सभी धर्मों के जो पर्सनल लॉ है साथ साथ आदिवासियों के कस्टमरी लॉ उसमें आए, तो सभी प्रकार के लॉ नल एंड वाइड होंगे। स्पेशल प्रिविलेज नष्ट हो गए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो। आर्टिकल 16(4) और 12 ये खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 17 खत्म हो जाएगा, विशेष सुरक्षा कानून नष्ट हो जाएगा, आर्टिकल 370 का अमल कम होगा। तो ये स्पष्ट 6 प्रकार के मुद्दे बीजेपी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में बताए गए हैं। कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह उद्देश्य है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको हिंदू बनाना, और भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ब्राह्मण राष्ट्र प्रस्थापित करना, और ब्राह्मण राष्ट्र प्रस्थापित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो लोग सहारा ले रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि लागू हो गया तो आदिवासियों का जो कस्टमरी लॉ है वो खत्म हो जाएगा, आदिवासियों के जो अधिकार उन लोगों को मिले हैं कस्टमरी लॉ की वजह से मिले हैं, आदिवासियों की कला सभ्यता संस्कृति पहचान ये अन्य जाति समूह से भिन्न है, इसलिए हमें अलग से अधिकार संविधान के माध्यम से मिले। यदि कस्टमरी लॉ खत्म हो गया, आदिवासियों की पहचान, उसकी कला, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, संवैधानिक अधिकार अगर खत्म हो जाएगा, मतलब एक कार्यक्रम है आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का। यह कार्यक्रम 5वीं-6वीं अनुसूची को प्रभाव शून्य करने का है। आदिवासी आदिवासी नहीं रहेगा, और यदि वो गैर आदिवासी बन गया तो इसे उसे हिंदू बनाया गया, तो 5वीं-6वीं अनुसूची जो है प्रभाव शून्य हो जाएगी, क्योंकि हिंदू के नाम पर तो संविधान में हमें अधिकार नहीं है, हमें तो आदिवासी के नाम पर है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर है, मतलब
कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड यह आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का कार्यक्रम है। इस बात को तमाम आदिवासी लोगों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। हमारी जो आदिवासी पहचान है उसे खत्म करने का ये कार्यक्रम है। अगर आदिवासी आदिवासी नहीं रहेगा तो गैर हिंदू बनेगा, तो 50-100 साल के बाद उसकी पहचान हिंदू नाम से रहेगी। दूसरा मुद्दा है, जल जंगल जमीन से उसे बेदखल कर दिया तो आदिवासी आदिवासी रहेगा, तब तक बेदखल नहीं होगा। जब वो गैर आदिवासी बनेगा तब तो जरूर बेदखल होगा, और जब उसे बेदखल किया जाएगा तब जल जंगल जमीन टाटा बिरला अंबानी मोफतलाल इनके कब्जे में चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासियों का कस्टमरी लॉ खत्म हो जाएगा, इससे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड 3.5% ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनाने का कार्यक्रम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यह हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का कार्यक्रम है। कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता कानून। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ की परिस्थिति को आधार बनाकर अधिकार दिए गए, सभी मूल निवासी लोगों को यह अधिकार दिए गए है। मतलब जिन जातियों के साथ अछूत का व्यवहार किया, जिन जातियों में ट्राइबल ट्रेड के गुण दिखाई दिए, जिन जातियों पर शूद्रत्व ब्राह्मणों ने थोपा, मतलब जो जातियां बैकवर्ड थी उनको फॉरवर्ड बनाने के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अधिकार प्रदान किए। शिक्षा का अधिकार मिला, आरक्षण का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो सभी को एक समान कानून होगा, सभी के लिए एक ही सिस्टम होगी, सभी के लिए एक ही नियम होगा। मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी को सभी को एक समान किया जाएगा। मतलब संविधान में हमें जो अधिकार मिले हैं वो खत्म करने का ये मामला है। इसका अर्थ यह है कि सभी को एक ही पहचान दी जाएगी, वो पहचान है हिंदू। वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब है ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे। ब्राह्मण विदेशी है यह बात दुनिया में सिद्ध हो गई है। और अभी अभी नंद कुमार बघेल का जो बयान दिया उसे तो ज्यादा प्रचारित हो गई है। ब्राह्मण विदेशी है अब यह साबित हो गया है, इसलिए ब्राह्मण बौखला गए है। ब्राह्मण समान नागरिक संहिता खुद को बहुसंख्यांक बनाने के लिए और सभी मूल निवासी लोगों के कस्टमरी लॉ खत्म करना चाहते हैं, उनकी पहचान खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अदर बैकवर्ड क्लास यानी SC ST OBC यह संकल्पना लाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से। मान्यवर कांशीराम जी ने 15 बनाम 85 का नारा दिया और मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने मूल निवासी कंसेप्ट लाई। जातियों को खत्म करके हम समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ब्राह्मण हमें जाति जातियों में विभाजित करके हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ऊंच नीचता है, भेदभाव है, गैर बराबरी है, आदिवासियों का अलगीकरण है, स्त्री दास्य है। मतलब समान नागरिक संहिता होगी जिसमें ऊंच नीचता, जाति व्यवस्था बरकरार होगी, कायम रहेगी, वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी, यह वो मामला है। इस बात को जानना और समझना जरूरी है, इसीलिए इस विषय को चर्चा के लिए लाना यह मकसद था कि इसके बारे में हमारे लोगों को जानकारी, सही जानकारी मिले। दूसरा जो विषय
चर्चा के लिए रखा गया है वो है बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा संथाल मुंडा गोंडभील एवं अन्य आदिवासी जातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना, ये ब्राह्मणों का एक भयंकर षड्यंत्र है। इसके बारे में डॉक्टर मरकाम साहब ने बहुत सारी बातें हम लोगों को बताने का प्रयास किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, उसका रिपीटेशन न करने का प्रयास करूंगा। ये जो ज्ञानेश्वर चौबे है इसकी असलियत क्या है? ब्राह्मण लोग संगठित प्रयासों से अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों ने योजना बनाकर बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजनों को बुद्धि भेद करके उलझा कर रखा है। राखी गढ़ी डीएनए के रिपोर्ट से ब्राह्मण का जो डीएनए है राखी गढ़ी में नहीं मिला तो ब्राह्मणों ने उस रिपोर्ट में जो नहीं कहा गया उसे ही मीडिया में बकना शुरू कर दिया। अब जो राखी गढ़ी का जो रिसर्च आया है, राखी गढ़ी के कंकाल में ब्राह्मणों का डीएनए नहीं मिलना ये प्रमाणित करता है कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। तो ब्राह्मणों ने योजना बनाई इस मुद्दे पर कि ब्राह्मण नंगा हो सकता है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक दूसरी टीम बनाई या एक व्यक्ति को अलग से बुद्धि भेद करने वाले मुद्दे के काम पर लगाया। तो वाराणसी का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे की एक खबर दैनिक जागरण में आई 27 अक्टूबर 2020 को, वो प्रकाशित भी हुई थी। उसका शीर्षक था कि 5000 साल पूर्व आए थे संथाल और मुंडा। ये प्रोफेसर चौबे ने संथाल और मुंडा आदिवासी प्रजाति को ही विदेशी करा दिया, उसके साथ साथ आदिवासियों पर भी हमला किया। देशवासियों का मनोबल गिराने के लिए आदिवासियों को अंग्रेजों ने मूल निवासी कहा, ऐसा वो कह रहा है। उस खबर में चौबे के नाम पर यह भी लिखा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने चरम सीमा पर थी उसी दौरान उन्होंने भारत बंगाल की खाड़ी के रास्ते प्रवेश किया। तो डीएनए साइंस ब्राह्मणों को विदेशी एवं आक्रामक मान रहा है। इससे वो बोखला गए ब्राह्मणों ने वही बात आदिवासियों पर थोपना शुरू कर दिया ताकि ब्राह्मणों के विदेशीपन के चर्चे पर पर्दा डाला जाए। ब्राह्मण लोग षड्यंत्रकारी होते हैं, वे एन केन प्रकार से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। आदिवासियों के बारे में जो खबर छप कर आई थी उसके संदर्भ में प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे से दिनांक 19 नवंबर 2020 को लगभग 33 मिनट का इंटरव्यू लिया प्रोफेसर विलास खरास्तर जी ने। तो ज्ञानेश्वर चौबे ने यह बात स्वीकार की। क्या बात स्वीकार की? उसने क्या कहा कि आदिवासी बाहर से आए हैं, इस पर कम से कम 4-5 पेपर पब्लिश किए हैं ज्ञानेश्वर चौबे को, उन्हीं के द्वारा लिखे गए रिसर्च पेपर की जब याद दिलाई गई तो उनको सीधा सवाल उन्होंने किया। विलास खराजी ने उनको सवाल किया, उनको क्या सवाल किया कि आपका एक पेपर था 7 अगस्त 2006 को जो पेपर में आपने पब्लिश किया उसका टाइटल की उनको याद दिला दिया। वो टाइटल था कि जेनेटिक अमंग द लोअर कास्ट एंड ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया Inference of Y chromosome and mitochondrial DNA। ये तो आपका ही रिसर्च था, बोले 2006 में। आप तो इसमें कहते हैं कि जो भारत की शूद्र जातियां है और आदिवासी है उनका Y chromosome और mitochondrial DNA आपस में मिलता है।
और आज आप कह रहे हो कि वो विदेशी है, तो उल्टा सीधा जवाब देने का उसने प्रयास किया, क्योंकि ब्राह्मण षड्यंत्रकारी होते हैं। ज्ञानेश्वर चौबे को यह कहने के काम पर ब्राह्मणों ने लगाया कि आदिवासी बाहरी है। यह उनके ही द्वारा प्रसिद्ध पेपर आज ब्राह्मणों के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। ज्ञानेश्वर चौबे आज आदिवासी, खासकर संथाल और मुंडा को विदेशी कह रहा है, उसे दुनिया के लोग मान्यता नहीं दे रहे। ये सारी बकवास बातें केवल भारत के टॉयलेट मीडिया में प्रचार में लाई जा रही है, तो इसके बारे में हमारे आदिवासी लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन इसके बारे में समाज में कोई जानकारी नहीं है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी मूल निवासी है। जस्टिस काटजू जो है अभी रिटायर्ड हुआ है, वो कहता है कि आदिवासी मूल निवासी है। जो प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ये कहता है आदिवासी विदेशी है, और मोहन भागवत ने कहा भारत के सभी लोगों का डीएनए ये कही है, और डीएनए रिसर्च ने क्या कहा, ब्राह्मण विदेशी है। साला अजीब बात। अब बयान ब्राह्मणों के माध्यम से आ रहे हैं। जो लोग इस देश के मूल निवासी है उनको आधार बनाकर इस प्रकार का बयान आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासियों को हिंदू कोड भी लागू नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं, शारदा एक्ट लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है आदिवासी मूल निवासी है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने चाहिए, उनका स्टेटस बरकरार रहना चाहिए, उनकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए। कार्जू कहता है आदिवासी मूल निवासी है। इसका मतलब है कि आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का कार्यक्रम है, ताकि मुख्य धारा से आदिवासी जुड़ना ही नहीं चाहिए। परिवर्तनवादी लहर, सामाजिक ध्रुवीकरण देश में शुरू है। मान्यवर वामन मेश्राम साहब के साथ आदिवासी जुड़ना नहीं चाहिए, और प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे कहता है आदिवासी विदेशी है। जो ब्राह्मण खुद विदेशी है वो कहता है आदिवासी विदेशी है। इसका अर्थ यह है कि आदिवासियों में भ्रम पैदा करके और यह बताने का प्रयास करना कि ब्राह्मण और आदिवासी अलग नहीं है, ये कई है। आदिवासियों में भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है, उनके अंतर्गत वाद विवाद निर्माण करने का काम चालू है। जब आदिवासी आदिवासियों में झगड़े निर्माण होते हैं, आदिवासी अपनी मूल पहचान को पाने के लिए आदिवासी कभी भी इकट्ठा नहीं आते, एक होकर संघर्ष नहीं कर सकते, उनको डाइवर्ट करने का कार्यक्रम ब्राह्मणों के द्वारा देश में चालू है, पूरे देश भर में चालू है। मोहन भागवत का जो बयान आया, इससे एक बात ध्यान में आती है कि जो ब्राह्मण विदेशी है, जिनकी संख्या 3.5% है, आज वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि भारत के सभी नागरिक एक है। मतलब जो विदेशी है वो अपना विदेशीपन छिपाने के लिए, ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन डीएनए अनुसंधान से सिद्ध किया है कि SC ST OBC और इससे जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ये मूल निवासी है और ब्राह्मण विदेशी है। डॉक्टर माइकल बामसात के द्वारा यह रिसर्च ने सिद्ध कर दिया है। जो मूल निवासी है वो संख्या में बहुसंख्यांक है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं, जिनके वोट ज्यादा होते हैं उनका राज होता है। लेकिन इस देश में बहुसंख्यांक लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है। अल्पसंख्यक जो देश चला रहे हैं उनका फायदा होता है, जिनका इस व्यवस्था से फायदा होता है
वो लोग व्यवस्था कैसे बदलेंगे? जो लोग व्यवस्था बदलना नहीं चाहते वो लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं, दीर्घकाल तक देश पर नियंत्रण स्थापित रहना चाहिए, उनकी आने वाली पीढ़ी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, इस प्रकार ब्राह्मण इस देश में काम कर रहे हैं। इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। आदिवासी को सेग्रीगेट करने के लिए इस प्रकार का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए इस प्रकार का वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है वो आदिवासी को हिंदू बनाने का स्टेटमेंट है। कार्जू का जो स्टेटमेंट है वो आदिवासियों को सेग्रीगेट करने का स्टेटमेंट है। और चौबे का जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो आदिवासियों में भ्रम निर्माण करने का वो स्टेटमेंट है। इसीलिए ब्राह्मणों से सावधान रहकर हमारे समाज में इसका ज्यादा प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। इस मुद्दे को हमारे लोगों के अंदर उसका प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार ज्ञानेश्वर चौबे के मुद्दे को हमारे समाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करके आदिवासी भ्रमित ना हो, ब्राह्मणों के षड्यंत्र को अच्छी तरह से समझे, इसलिए इस विषय को चर्चा का विषय बनाया था। तीसरा जो विषय इस अधिवेशन में रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय इस प्रकार है, ये आदिवासियों को राष्ट्रव्यापी संगठन अथवा वर्तमान विद्यमान विभिन्न संगठनों का संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकरण होने से ही आदिवासियों की मौलिक समस्याओं का समाधान संभव है। इसमें दो सेंटेंस है, एक है आदिवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन और दूसरा सेंटेंस है इसमें कि वर्तमान विद्यमान जो विभिन्न संगठनाएं हैं तो उन संगठनाओं का संवैधानिक जो उद्देश्य है उस संवैधानिक उद्देश्य पूर्ति के लिए उनका राष्ट्रव्यापी एकीकरण करना बहुत जरूरी है। आदिवासियों के मौलिक समस्याओं का समाधान तभी संभव है। महत्वपूर्ण विषय आज के इस राज्य अधिवेशन में चर्चा, आज जो भी हमें मिला वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन से ही मिला, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो गुलाम भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था उसकी बदौलत तमाम आदिवासी और तमाम बहुजन समाज के लोगों को हक और अधिकार मिले, इसकी बदौलत मिले, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बदौलत मिले। भारत में दो प्रकार की लड़ाई शुरू है, एक है धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई, एक है सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई। धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई से ब्राह्मण मजबूत होता है, इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई समझता नहीं है, आकलन नहीं होता है इसके बारे में। धार्मिक ध्रुवीकरण से ब्राह्मण बहुत ज्यादा मजबूत होता है, सामाजिक ध्रुवीकरण से आपकी एकता होगी, संगठित शक्ति का निर्माण होगा। हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष किया, यह सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन है। उनका राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, इससे हमें संवैधानिक अधिकार मिले, वो अधिकार खत्म होने के कगार पर है। हमारे महापुरुषों ने जो सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाया, भाईचारा निर्माण करने का आंदोलन चलाया, ब्राह्मणों ने जाति निर्माण किया,
हम मूलनिवासियों को जातियों में विभाजित किया, 6000 टुकड़ों में विभाजित किया। ब्राह्मणों की एक विचारधारा है जिसके ऊपर वो निरंतर काम करते रहते हैं। लोगों को एक विचारधारा से वो इकट्ठा करते हैं, जिस विचारधारा का नाम है हिंदुत्व। हमारी क्या विचारधारा है, हमारे पास क्या विचारधारा होनी चाहिए, यह है चिंतनीय विषय। जैसे ईंट को ईंट से जोड़ना है तो सीमेंट चाहिए, लकड़ी को जोड़ना है फेविकॉल चाहिए, लगेगा फेविकॉल लगेगा, उसके सिवाय तो लकड़ी नहीं जुड़ेगी। इंसान को जोड़ना है, ब्राह्मणों ने जाति जाति में विभाजित किए हुए लोगों को जोड़ना है तो इसके लिए एक रसायन है विचारधारा। कौन सी विचारधारा, जोड़ने वाली विचारधारा होनी चाहिए, वो विचारधारा है मूल निवासी विचारधारा। जैसे ब्राह्मणों ने हिंदू कंसेप्ट लाई जिसके द्वारा देश भर के एससी एसटी ओबीसी को जोड़ते हैं, भ्रमित करते हैं षड्यंत्र पूर्वक, हमने आजाद करने के लिए, भाईचारा निर्माण करने के लिए, सामाजिक ध्रुवीकरण करने के लिए मूल निवासी कंसेप्ट लाई। महापुरुषों ने सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चलाया जिससे एकता निर्माण हुई, यूनिटी निर्माण हुई, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ, संविधान मिल गया, अधिकार मिले, उसके बाद भारत में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन खत्म हो गया। समस्या राष्ट्रव्यापी है, संगठन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, वो निर्माण करना पड़ेगा, समाज में नेतृत्व निर्माण करना पड़ेगा। अलग अलग रहने से, आइसोलेशन में संगठन चलाने से हमारी समस्या का समाधान संभव नहीं है। यदि संवैधानिक अधिकार हमें सुरक्षित रखना है तो इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण करना बहुत आवश्यक है। शेड्यूल कास्ट की समस्या होगी तो आदिवासी और अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन्होंने इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए, समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई होगी तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों ने समर्थन में रहना चाहिए। ओबीसी के हक और अधिकार की लड़ाई होगी तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट ने समर्थन में रहना चाहिए। जो मंडल कमीशन का आंदोलन चला, मंडल कमीशन के आंदोलन में माननीय कांशीराम जी की बहुत अहम भूमिका थी। समस्या ओबीसी की थी लेकिन आंदोलन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ने चलाया। वो अगर पुनर्जागृत हुआ और इस प्रकार हमने कोलैबोरेशन करके, भाईचारा निर्माण करके अगर हम आंदोलन इस देश में निर्माण करते हैं तो हम आज ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। आज जो समस्या आदिवासियों की है वही समस्या ओबीसी की है, वही समस्या तो शेड्यूल कास्ट की है। उदाहरण के लिए लिया जाए, आरक्षण आदिवासियों का खत्म हुआ तो क्या एससी और ओबीसी का आरक्षण बचा है क्या? नौकरी आदिवासियों की खत्म हो गई तो एससी की ओबीसी की नौकरी बची है क्या अभी? इसका मतलब जो आदिवासियों की समस्या है वही समस्या ओबीसी की है, वही समस्या शेड्यूल कास्ट की है। अगर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जाता है तो उस एरिया में एससी के भी लोग रहते हैं, उस एरिया में ओबीसी के भी लोग रहते हैं, क्या वो सुरक्षित रहते हैं? अगर आदिवासियों का विस्थापन होता है तो साथ साथ तो ओबीसी का भी विस्थापन होता है, एससी का भी विस्थापन होता है। समस्या एक है। कहने का मतलब ये है कि समस्या एक है तो लड़ाई अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? इसलिए इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है, भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सामाजिक क्रांति
सत्ता परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति से सत्ता परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति से राजनीतिक परिवर्तन होगा, सामाजिक क्रांति से धार्मिक परिवर्तन होगा। तो इस देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, इस देश में जो आंदोलन चला रहे हैं और गए 1992 से बामसेप के साथ में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के साथ में इस देश में हम काम कर रहे हैं। तो मेरी आदिवासी जनता से अपील है कि महापुरुष जब समाज में पैदा होते हैं और समाज में जब वो काम करते हैं तब उसकी कीमत हमारे लोगों को नहीं होती है। वैसे भी आदिवासियों ने बाबा साहब की कीमत नहीं किया, अगर बाबा साहब की कीमत की होती तो गांधी के पिछलग्गु नहीं होते। हमारे आदिवासी समाज ने बाबा साहब जब जिंदा थे तब बाबा साहब की कीमत नहीं की, आदिवासी गांधी के पिछलग्गु बन गए। इसके बावजूद भी बाबा साहब ने सोचा कि आदिवासी मेरा छोटा भाई है, ये भोला है, ये भोला समाज है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, अज्ञानी है, और इस समाज को ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता। बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को एक अलग से संविधान देने का प्रयास किया जिसका नाम है आर्टिकल 244। आदिवासियों को एक अलग संविधान है और आदिवासियों की जो बात है इसके बारे में हमारे लोग जानते नहीं हैं। जब महापुरुष जिंदा होते हैं तो उसकी हम कीमत नहीं करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनका फोटो लगाते हैं, पुष्पमाला अर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसमें तो कोई अर्थ नहीं है। आज वर्तमान में या मूल निवासी बहुजन समाज का जो आंदोलन इस देश में केवल मात्र बामसेफ और बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, उनके साथ समस्त आदिवासियों को अपनी ताकत लगानी होगी, उनको साथ देना होगा। इस देश में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन सफल करना है। माननीय वामन मेश्राम साहब जीवित है तब तक हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि मेश्राम साहब ने 5 महत्वपूर्ण काम इस देश में किया। एक काम किया कि राष्ट्रव्यापी संगठन बहुजन समाज का बनाया जिसके तहत हम ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो सकते हैं। यह अभी वर्तमान में मेश्राम साहब ने बहुत बड़ा काम हमारे लिए कर दिया, मूल्यवासी बहुजन समाज का संगठन खड़ा कर दिया जिसमें 15% लोगों को नो एंट्री। जिस समाज में नेतृत्व नहीं है उस समाज में नेतृत्व का निर्माण किया है, जिस समाज में दृष्टिकोण का अभाव था उस समाज में दृष्टिकोण निर्माण किया है, समाज में नेतृत्व निर्माण किया है आदिवासियों में। माननीय H1 रेखवाल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय प्रेम कुमार गेडाम जो राष्ट्रीय प्रभारी है, बहुत बड़े बड़े लोग नेतृत्व आदिवासियों में पैदा किया। इस देश में मेश्राम साहब ने इतनी ताकत निर्माण किया कि हम अब अभी देश बंद करने लायक बन गए हैं। हमने 3 बार देश को बंद कर दिया, NRC के मुद्दों पर बंद कर दिया, जो मोदी और शाह 24 घंटे TV पर चिल्लाते थे NRC, उनकी बोलती बंद कर दिया, क्योंकि हमने NRC के मुद्दों पर भारत बंद कर दिया, किसानों के 3 काले कानून के विरोध में भारत बंद कर दिया। पूरे देश भर में हम लोगों ने 2 बार देशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन चलाए आदिवासियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विरोध में। इतनी बड़ी ताकत हम लोग पूरे देश भर में निर्माण कर चुके हैं माननीय मेश्राम साहब के साथ में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन करके। तो इस बात को आदिवासियों भाइयों ने समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे संगठनाएं आदिवासियों में हैं, उन्होंने अपना संगठन छोड़ना नहीं है,
लेकिन उनका, लेकिन आदिवासियों के बारे में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके साथ, उसके तहत अपना झंडा डंडा एजेंडा वो बरकरार रहकर कॉमन मिनिमम का जो एजेंडा है उसके उसको साथ मानकर हमारे साथ आना चाहिए। और ये जो आजादी की जंग राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से बामसेप के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ में जो पूरे भारत में जन लोगों ने खड़ी कर दी है, इसके लिए आपने साथ और सहयोग देना चाहिए, ऐसे मैं अपील करता हूँ। और तीनों ही ऊपर तीनों ही विषय के बारे में मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन जो बातें आवश्यक थी वो बताने का मैंने प्रयास किया। और इस छत्तीसगढ़ राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मुझे मौका दिया।